एक सर, क्या एस्पिरिन दिल का दौरा रोक सकती है? क्या एस्पिरिन दिल का दौरा रोक सकती है? देखिए, इसके लिए पहले मैं आपको समझाऊंगा कि दिल का दौरा होता कैसे है या हार्ट अटैक आता कैसे है। हम नॉर्मली कहते हैं हमारी हार्ट के अंदर जो नाड़ी होती है, तीन मेन नाड़ी होती है, बाएं तरफ पे दो होती हैं, दाएं तरफ पे एक होती है। तो ये नाड़ी का नॉर्मल साइज होता है 2.5 mm, 3 mm, हम 2.5 से 4 mm तक मिल सकती है। तो मैं बोलूंगा एवरेज साइज 3 mm अगर है, तो आप सोचिए 3 mm की नाड़ी कितनी छोटी नाड़ी होती है। अब इस नाड़ी के अंदर अगर चर्बी जमती रहती है, जो जिसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड, वो चर्बी लंबे समय तक जमती रहती है, तो 3 mm की नाड़ी और छोटी होती जाती है। तो एक समय ऐसा आता है जब वो चर्बी जो है, जो जम रही है, वो एक सतह की तरह इवन तरीके से नहीं जमती है, वो अनइवन हो जाती है। एक भाग टूट के उसका नीचे गिरता है, जब वो भाग टूट के नीचे गिरता है, जिसको हम बोलते हैं वल्नरेबल प्लाक या अनस्टेबल प्लाक बोलते हैं उसको हम, इसको बोलते हैं प्लाक रप्चर हो गया। प्लाक रप्चर हो गया मतलब वो जो चर्बी का एक भाग है वो टूट के गिरा, उसने नाड़ी को ब्लॉक किया। जब ये नाड़ी को ब्लॉक करता है, इसके हार्ट का एक अपना, शरीर का अपना रिएक्शन होता है, उसके आसपास प्लेटलेट्स आते हैं और उधर एक खून के थक्के बनने लगते हैं। तो जो खून के थक्के बनते हैं, इससे ब्लॉक, वो आपकी नाड़ी आगे ब्लॉक होती रहती है। तो एस्पिरिन का काम क्या है? एस्पिरिन हमारे शरीर में प्लेटलेट्स होते हैं जिनका काम होता है खून को जमाना। जो बेसिकली मैं कह रहा हूँ खून का थक्का बनता है, तो जब आपको कहीं पे खून ज़्यादा आता है तो ये प्लेटलेट्स आपके शरीर में खून को जमाते हैं। एस्पिरिन का काम होता है इन प्लेटलेट्स का काम रोकना, इन प्लेटलेट्स को खून ना जमाने देना। तो एस्पिरिन एक ब्लड थिनर है, खून को पतला करती है। तो अटैक के समय में ये मरीज की मदद कर सकती है। अगर ये टाइम पे दे दी जाए तो जो खून के थक्के आपके हार्ट की नाड़ी में बन रहे हैं, ये उसका बनना रोक सकती है। इसीलिए जब भी मरीज को हार्ट अटैक होता है, वो कहीं भी हो, चाहे दूर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी केयर हेल्थ सेंटर में होता है, तो हम कहते हैं कि मरीज को एक एस्पिरिन की 4 गोली दीजिए। 75 मिलीग्राम की एक गोली होती है, हम कहते हैं 300 मिलीग्राम एस्पिरिन दीजिए, 300 मिलीग्राम क्लोपिडोग्रेल दीजिए। क्लोपिडोग्रेल या क्लोपिलेट के नाम से आती है, ये भी एंटी प्लेटलेट ड्रग है जो कि खून पतला करती है। और तीसरा हम कहते हैं स्टैटिन दीजिए, अटोरवा स्टैटिन 80 mg दीजिए, ये आपके कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करती है। तो हार्ट अटैक की लोडिंग डोज ये होती है एस्पिरिन 300 mg, क्लोपिडोग्रेल 300 mg और अटोरवा स्टैटिन 80 mg। जब भी मरीज को अटैक हो तो ये दवाई दें और फिर उनको आगे भेजें।